कल जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई। उसके बाद पूरे देश भर में उनके फैंस मायूस हो गए। वहीं इंदौर में उनके लिए प्रार्थना और दुआ का दौर चल रहा है। यहाँ उनके प्रशंसक और परिजन उनकी जमानत की कामना भगवान से कर रहे हैं। यहाँ पे हम गणेश जी से प्रार्थना करने आए कि जैसा कि सलमान भाई को जो 5 साल की सजा सुनाई गई है, पहले से उनको 20 साल का जो लॉन्ग टाइम इंटरवल था उसमें एंगेज थे, अब 5 साल की सजा और हो गई है। जैसा वो अच्छा काम करते हैं तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, फेमस है कि सलमान फैन क्लब और बिग ह्यूमन सामाजिक संस्था बहुत से अच्छे अच्छे काम करती है। इसी या तो फिर सभी के साथ ऐसा होना चाहिए कि भाई मूक बधिर है, भले वो विलुप्त हो जाती है तो उससे कोई मतलब नहीं। मूक बधिर है तो वो मुर्गा हो, बकरी हो या हिरण हो, सब में बराबर की सजा होनी चाहिए। इंदौर सलमान खान का घर है और यहाँ आज भी उनके परिजन तथा जानने वाले रहते हैं। इंदौर के पलसिया क्षेत्र में स्थित इस घर में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। यह घर हिंदी फिल्म के सुपरस्टार सलमान खान का है। सलमान का जन्म इंदौर के इसी घर के पास स्थित कल्याणमल नर्सिंग होम में हुआ था। गुरुवार को जैसे ही अदालत का फैसला आया, वैसे ही यहाँ का माहौल मायूसी से भर गया। शहर में उनके घर के आसपास रहने वाले कई पड़ोसी सलमान के परिजनों के दुख में शामिल होने पहुंचे, लेकिन उनके परिजनों ने घर का दरवाजा ही नहीं खोला। इस बीच सलमान की दाई माँ रुक्मणी बाई भी उनके लाडले को सजा हो जाने से खासी दुखी नजर आई। उन्होंने बताया कि जब सलमान 7 साल का था तो इंदौर में पलसिया क्षेत्र के एक मैदान में खेलने जाता था और वहाँ की हर गलियों से उसका आज भी एक गहरा नाता है। और जब मैं आया भाई थी, दाई माई थी वहाँ, तो मेरा काम वो ही था कि बच्चों को लेना दिलाना धुलाना तैयार करना। तो मैं बहुत उम्मीद लगा रही हूँ उनके ऊपर से मैंने, कि बहुत आशा करती हूँ कि जल्दी से रिहा हो जाएंगे वहाँ से वो। और मेरी मन में इतनी दुखी हो गई एकदम मैंने, कि सलमान खान का भी बात सुनते मैंने कि भगवान के गरीबों को सहायता करते, गरीबों के लिए बहुत दुआ मांग रहे हैं, उनके लिए पूरा हिंदू दुआ मांग रही है उनके लिए।